हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विक्रम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यू 2023 की बजाज पल्सर 125 और ये है दोस्तों E20 मॉडल और यहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस माइलेज फीचर फुल डिटेल्स रिव्यू होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। देखिए E20 और इस बाइक में दोस्तों बहुत ही गजब के फीचर्स आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इस बाइक में जो नया चीज़ हुआ है वो एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक नया ग्राफिक यहाँ पर मिलेगा और पल्सर का क्रोम फिनिशिंग अब आपको बैजिंग मिलेगी और एक नई अलॉय व्हील अब आपको मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा, यानी कि अब माइलेज आपको और भी ज़्यादा देने वाली है बाइक। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो कुछ इस तरह से बजाज की पल्सर 125 यहाँ पर देखेगी। बिन ग्लास अगर आप देखोगे तो ऑल ब्लैक कलर का मिलेगा, इस तरह से कुछ ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइड पर तो ग्रे कलर की ये बाइक आपको देखेगी, इस तरह से देख सकते हैं जो कि कार्बन ग्रे है और यहाँ पर येलो कलर और ब्लैक कलर का स्टिकर आपको मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये अभी तक बजाज की पल्सर में ना ही 125 में ना ही 150 में ये ग्राफिक और ये कलर आए थे, ये सबसे नया और सबसे लेटेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेडलाइट में इस तरह से आपको ब्लैक का फेड मिलेगा, इस तरह से जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बनाती है इस बाइक को। और इस तरह से आप फ्रंट का पूरा लुक देख सकते हैं और इंडिकेटर आपको काफ़ी अच्छे फ्लेक्सिबल मिलेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाले हैं 9 वाट के, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जिसका मेडगार्ड है वो भी आपको यहाँ पर इसी कलर में मिलेगा सेम टू सेम और ब्लैक कट यानी डुअल टोन में आपको मेडगार्ड इस तरह से मिल जाएगा। अब अलॉय व्हील अगर आप देखेंगे तो एक नई अलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिलेगी 90/90/80/17 का ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको इस बाइक में मिल जाएगा, यानी कि 17 इंच की अलॉय व्हील है। और अलॉय व्हील अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक बजाज की किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं आता था, ये सबसे नया मॉडल अलॉय व्हील किया है। ये बजाज ने सबसे बढ़िया काम किया है, अदर बाइकों में सिर्फ E20 की ही बैजिंग दे दिया है लेकिन बजाज ने कुछ ऐसा काम किया जो कि दिखने में ही लग जाए कि ये BS7 वाली बाइक है, यानी कि नई वाली। और ग्राफिक इसके अलॉय व्हील पर आपको स्टिकर यानी कि टाइपिंग भी इस तरह से मिल जाएगी। तो फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वो भी रिफ्लेक्टर के साथ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखा गया, जो कि सेफ्टी फीचर में सबसे गजब का काम किया है बजाज ने, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक इसकी जो तो 11.5 लीटर की है और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिशिंग अब आपको मिलेगी पल्सर की ब्रांडिंग। ये सबसे नया स्टिकर है, अभी तक किसी भी पल्सर सीरीज में नहीं आया है ये स्टिकर। सबसे बढ़िया और फेड देखेंगे तो यहाँ पर येलो और ब्लैक का इस तरह से मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। कार्बन ग्रे कलर यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों ये जो ग्राफिक्स है ये चीज़ आपको पूरा बिल्कुल एकदम लेटेस्ट और नया मॉडल का मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टैंक पैड। और उसके बाद दोस्तों फ्यूल टैंक पर देखेंगे तो E20 और ये जो फ्यूल टैंक है ये ऑल ब्लैक कलर में मिलेगा, जो कि अभी तक सिल्वर में था, अब यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी मैचिंग यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कंसोल की। तो सेमी कंसोल यहाँ पर मिलेगा यानी एनालॉग एंड डिजिटल। साइड स्टैंड का यहाँ पर आपको मिल जाएगा और लो बैटरी का इंडिकेटर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको बताएगा दोस्तों फ्यूल। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारी चीज़ें मिलेगा। और यहाँ पर ये बाइक बताएगी कितने किलोमीटर तक ये फ्यूल आपका चलने वाला है, ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। एवरेज पर किलोमीटर भी यहाँ पर आपको ये बाइक दिखाएगी। और उसके बाद दोस्तों इस बाइक में इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्टर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल हॉर्न ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस बजाज ने नहीं किया है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी अच्छा पहले से ही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लो फ्यूल इस तरह से ट्रिप कर रहा है। बाकी ये फाइल लाइट और पासिंग बटन न्यूट्रल और यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर RPM लिमिट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, बटन दिया गया आपको। बाकी ये टेक्सचर डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिलेगी, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर लगा। और साइड से अगर आप देखेंगे साइड से तो सेम टू सेम दोनों साइड पल्सर का लोगो आपको मिलेगा और यहाँ पर ग्राफिक भी बिल्कुल एकदम सेम मिलेंगे। और ये कलर जो है बहुत ही गजब का रहेगा। और साइड का अगर पैनल आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई स्टिकर नहीं मिलेगा, बाकी कलर एकदम सेम टू सेम ग्रे कलर में ही रहेगी बाइक, तो इस पर कोई स्टिकर नहीं दिया है। अब इंजन की बात करें तो 124cc का इंजन आपको मिल जाता है, यानी कि 125cc 5 गियर। माइलेज की बात करें तो 60+ का माइलेज आराम से बजाज की पल्सर 125 निकालेगी, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर। और इस बाइक में दोस्तों 125cc की सेगमेंट में आपको किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर मिलता है, जबकि TVS के अगर राइडर आप खरीदते हैं तो ओनली सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्टर मिलेगा, यानी कि स्टार्टर नहीं मिलता है। बट बजाज ने ये चीज़ काफ़ी बढ़िया काम किया है। और 124.38cc यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 125cc मान के चलिए कि है, और माइलेज भी काफ़ी अच्छा देगी। और इस बाइक में जो चेंजेस क्या है, फ्यूल इंजेक्टर, पहले इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर थी, अब यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है FI वाली। तो साइड का पैनल इस तरह से आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। और ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी, बहुत ही बढ़िया आपको मजबूती वाला मिलेगा इस तरह से। और ये जो फ्रोटस है ये आपका फिक्स रहेगा और ये आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। इसका साइलेंसर देखते हैं, एग्जॉस्ट आपको इस तरह से मिलेगा। और सस्पेंशन जो पीछे का है दोस्तों वो है
नाइट्रोस गैस कंसार्डर यानी एंडोरेंस 5-स्टेप एडजस्टेबल, और यहाँ पर आपको मिल जाता है फेंडर। अब रियर के जो कवल है दोस्तों, यहाँ पर 125 की दोनों साइड पर सेम टू सेम बैजिंग मिलेगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इंडिकेटर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, बहुत ही गजब का मिलेगा। और रियर का फेंडर यहाँ पर आपको टेल लाइट पूरी LED वाली आपको मिल जाती है, इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से ये जलेगी। तो LED वाले यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेल लाइट। और कलर जो है ये सबसे अच्छा ग्रेविल आपको ब्लैक मिलेगा। तो पूरा फेंडर रियर से इस तरह से दिखेगी ये बाइक। और पीछे का जो टायर है दोस्तों, ये आपको आगे वाले से मोटा मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम 130 mm का मिल जाएगा, 190/17 का ट्यूबलेस टायर। और इस तरह से आप देख सकते हो पूरा लुक इसका। तो बाइक काफ़ी शानदार है दोस्तों। और इस बाइक में आप देख सकते हैं कि जैसा कि सेफ्टी फीचर या मजबूती से बजाज ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, लोहे का चेन कवर आपको इस गाड़ी में देती है कंपनी। और यहाँ पर सारी गार्ड लेडीज़ के बैठने के लिए काफ़ी कंफर्ट, बहुत ही आराम से पैर रख सकती हैं। तो ऑलमोस्ट ये बाइक दोस्तों 125 cc की सेगमेंट में सबसे गजब की है। दोस्तों ये बाइक आपको दो वेरिएंट में मिलेगी, यानी कि सिंगल सीट और स्प्लिट सीट। अगर आप चाहें जैसा कि आप सिंगल सीट देख रहे हैं ये खरीद सकते हैं, या फिर अलग अलग वाली सीट भी खरीद सकते हैं। दो कलर में आएगी बाइक, एक आप कलर देख रहे हैं, बाकी एक ब्लेड एंड रेड स्टिकर में आएगा जो पहले आता था, ठीक है। तो पहले वाले स्टिकर दो कलर में बंद कर दिया, आप दो कलर में ही आपको ये बाइक मिलेगी। और डिस्क वेरियंट ही आपको मिलेगा, ड्रम वाला भी बंद कर दिया कंपनी ने। अब इसके प्राइस की बात करें तो 98,000 ऑन रोड प्राइस है लखनऊ की। और इसका एड्रेस है दोस्तों शोरूम का, JPS बजाज आलमबाग लखनऊ। और यहाँ पर आप बजाज की कोई भी मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।